जोहार, मैं कृष्ण गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। पलामू के महुडन में मनरेगा योजनाओं में भारी अनियमितता। छात्रों, होमगार्ड जवानों, जेल में बंद व बाहर कार्य करने वालों के नाम पर फर्जी निकासी। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड का जंगलों पहाड़ों से घिरा ग्राम पंचायत महुडन में मनरेगा की योजनाओं में भारी गड़बड़ी की शिकायत ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त पलामू से की है। आवेदन में कहा गया है कि आधार कार्ड में विद्यार्थियों की उम्र बढ़ाकर उनके नाम पर निकासी की गई है। इतना ही नहीं, जेल में बंद व्यक्ति, बाहर में काम कर रहे व्यक्ति और होमगार्ड की नौकरी कर रहे व्यक्ति के नाम पर विभिन्न योजनाओं में फर्जी निकासी की गई है। आरोप है कि मुखिया व कनीय अभियंता की मिलीभगत से जिनके पास जमीन नहीं है उनका भी मेड़बंदी का बिल बनाया रहा है। आरोप है कि योजना कार्ड संख्या 7080902919080 रामजी यादव के खेत में मेड़बंदी कार्य में SCBI हुसैनाबाद ने कार्यरत रामजी यादव के नाम जॉब कार्ड संख्या 11/403 से फर्जी निकासी की गई है। योजना संख्या 7080902998609 प्रमोद यादव की जमीन में मेड़बंदी कार्य, जेल में बंद सुरेंद्र यादव के नाम जॉब कार्ड संख्या 002/215 में निकासी की गई है। योजना संख्या 7080902979990 शीला देवी के खेत में मेड़बंदी कार्य में एक वर्ष से दूसरे राज्य में कार्य कर रहे आमोद यादव के नाम पर जॉब कार्ड संख्या 002/220 में निकासी की गई है। आरोप है कि कई योजनाएं ऐसी भी हैं जो सिर्फ कागज पर ही कर ली गई। आरोप है कि मुखिया के लोगों के द्वारा ही योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है। पूर्व में प्रखंड के द्वारा की गई जांच में मनरेगा योजनाओं में भारी गड़बड़ी उजागर हुई थी। रोजगार सेवक, पंचायत सेवक समेत अन्य पर 7 लाख रुपए की रिकवरी गिराई गई है। आज तक रिकवरी की राशि किसी ने जमा नहीं की है। ग्रामीणों ने DDC से की मांग। ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त से महुडंड पंचायत में किए गए मनरेगा कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने व दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुखिया मीना देवी से इस संबंध में उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया मगर उनसे संपर्क नहीं हो सका है। मामले में मनरेगा लोकपाल शंकर कुमार ने कहा कि उनके संज्ञान में भी यह मामला आया है। आवेदन देकर इस सिलसिले में शिकायत की गई है। मामले में वेरिफिकेशन करने के बाद संबंधित आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। यह वित्तीय अनियमित का मामला है। राशि रिकवरी के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज की गई जाएगी।